यूटोपिया क्या होता है? यूटोपियन लिटरेचर में यूटोपिया का कॉन्सेप्ट एक इम्परफेक्ट रियल वर्ल्ड में एक परफेक्ट सोसाइटी को दिखाता है। मीन्स यूटोपियन लिटरेचर में एक ऐसी आइडियल सोसाइटी की कल्पना की जाती है जिसमें सभी लोग एक साथ शांति से रहते हैं और वो सब के सब वहाँ रह कर खुश हैं। वहाँ पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता, वो सभी दुनिया के हर परेशानी से आज़ाद हैं। इस यूटोपियन सोसाइटी की कल्पना सर थॉमस मूर ने अपनी एक बुक यूटोपिया में 1516 में की थी, जिसमें एक काल्पनिक आइलैंड को डिस्क्राइब किया गया है जहां पर लोग परफेक्ट सोसाइटी में रहते हैं। इसके बाद से बहुत से ऑथर्स ने यूटोपियन लिटरेचर लिखना स्टार्ट कर दिया, जैसे फ्रांसिस बेकन, सैमुअल बटलर और शार्लोट पार्किंस किलमैन कुछ मेजर यूटोपियन लिटरेचर के मेजर राइटर्स माने जाते हैं। यूटोपियन लिटरेचर को सोशल और पॉलिटिकल आलोचना के फॉर्म में भी देखा जा सकता है, क्योंकि ये सोसाइटी में कमियां और इनजस्टिस को तलाश करके एक अच्छे फ्यूचर की कल्पना करता है। ये एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन की तरह भी काम करता है सोसाइटी के लिए और पॉलिटिकल सिस्टम के लिए, क्योंकि ये एक विजन प्रोवाइड कराता है सोसाइटी को और ये एक बात का एहसास कराता है कि अगर प्रेजेंट टाइम में कुछ काम कर लिए जाएं तो फ्यूचर भी अच्छा हो जाएगा। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल देखते हैं यूटोपियन लिटरेचर के। तो पहला वर्क है यूटोपिया बाय थॉमस मूर 1516, द सिटी ऑफ द सन बाय तोमासाओ कैंपानेला 1602, न्यू अटलांटिस बाय फ्रांसिस बेकन 1627, एरेहोन बाय सैमुअल बटलर 1872, लुकिंग बैकवर्ड बाय एडवर्ड बेलेमी 1888, हार्लैंड बाय शार्लोट पार्किंस किलमैन 1915, आइलैंड बाय एडोल्फ हक्सले 1962।